अगर आज सुपर संडे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज 6 अक्टूबर के दिन इंडिया पाकिस्तान का भी बैटल आपको देखने को मिलने वाला है वुमेन T20 वर्ल्ड कप में। साथ में आपको इंडिया बांग्लादेश का भी बैटल देखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दुष्यंत शर्मा और स्वागत करता हूं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के T20 के शेड्यूल के बारे में, वेन्यू के बारे में, मैच टाइमिंग के बारे में, लाइव टेलीकास्ट राइट्स के बारे में, और बाद में आपको बताऊँगा कि जुगाड़ से कैसे इन्जॉय कर सकते हैं। तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा। साथ में कुछ गजब का फैक्ट भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस मैच से लेकर। अगर इसी तरह का कंटेंट आपको देखना अच्छा लगता है और क्रिकेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं मैच की टाइमिंग और आपको शेड्यूल से अवगत कराता हूं। तो पहला मुकाबला आज यानी कि 6 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को, तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। मैच टाइमिंग की बात करें तो सारे मैच आपको शाम को 7 बजे से देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम नज़र डालें यहाँ वेन्यू पे तो पहला मुकाबला जो है वो ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा T20 मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, और तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला जो होगा वो खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ये तीनों मुकाबलों का वेन्यू होने वाला है। अब एक फैक्ट आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे ग्वालियर स्टेडियम के बारे में। तो 2010 से लेके अब तक कोई भी मुकाबला यहाँ पे इंटरनेशनल मुकाबला होस्ट नहीं किया गया था, यानी 13 सालों से ये स्टेडियम वीरान पड़ा था। इससे पहले 2010 में जो मुकाबला खेला गया था वनडे का मैच था, और उसमें अपने सचिन पाजी ने डबल 100 मारा था, डबल सेंचुरी बनाई थी, और उसके बाद से यहाँ पे भैया कोई भी मैच नहीं खेला गया। आज 13 सालों बाद ये स्टेडियम दोबारा से रंग में आने वाला है। अब टीम के फैक्ट के बारे में बताएं आपको तो सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई थी, हार्दिक पांड्या के लिए लेकर आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव फाइनली आपको इस टीम का कप्तान दिखने वाले हैं। टीम के ऊपर नजर डाले हैं तो यहाँ पे आपको अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते दिखने वाले हैं। साथ में एक बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे शिवम दुबे नहीं दिखेंगे आपको, शिवम दुबे रोल्ड आउट हो चुके हैं और उनकी जगह पे शिवम दुबे की जगह पे तिलक वर्मा आपको खेलते दिखने वाले हैं। अगर बात करें कि मैच जो है इनका लाइव टेलीकास्ट कहाँ होने वाला है तो भारत में इन मैचों का जो लाइव टेलीकास्ट है वो जियो सिनेमा के पास है, यानी स्पोर्ट 18 के पास टेलीविजन पे राइट्स है। टेलीविजन पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट 18 चैनल ट्यून करना होगा जो कि पेड होता है, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं मोबाइल में तो मोबाइल में आप जियो सिनेमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल निःशुल्क वॉच कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर पर भी जियो सिनेमा की ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, ऑफिशियल एप्लीकेशन मोबाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ये मैच डीडी फ्री डिश के कौन से चैनल पे आने वाला है तो डीडी फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पे आप इन मैचों का लुत्फ उठा सकते हो। 90% चांसेस हैं कि वहां पे आएंगे जितने भी T20 होंगे। और अगर आप जुगाड़ से एंजॉय करना चाहते हो सभी टेंशन को साइड रख के तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल में देते हैं, और आइए बन जाइए आप भी क्रिकेट के ज्ञानी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, ज्वाइन हो जाएं क्रिकेट से अपडेट रहने के लिए। मैच के टाइमिंग वहां जुगाड़ वगैरह भी प्रोवाइड करवा देते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये T20 सीरीज कौन विन करने वाला है। आज की वीडियो समाप्त करते हैं, नमस्कार।